गांव। गांधी जी कहते थे कि देश को अगर देखना है, जानना है, समझना है तो गांव को जरूर देखिए। और गांव आज की तारीख में शायद ही देखने लायक हो। नेताओं के लिए तो ये सिर्फ वोटों की बस्तियां हैं, जहां जाना है चंद पैसे फेंकने हैं, दारू के कुछ बोतलें फेंकनी हैं और फिर पूरे दिल से इन पर राज करना है। ये तस्वीर है जौनपुर के गांव की, जहां पत्रकार वीर ने इन लोगों के दर्द को संजोकर आपके सामने रखने की कोशिश की है। आइए दिखाते हैं वीर की ये रिपोर्ट। बारिश होती होगी तो इसी भी डर के साय में बच्चे भी रहते होंगे। बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। कैसे बच्चा मर गया आपका? घर गिर गया, एक नल है वो पूरी गांव पे थे। एकदम अड़ा गिर गया रह जाने लड़के बच्चे दबाई जी बाप रे बाप। जाना भैया बहुत परेशान है जान, तो हमारे सास ने चतुर के शहर है। आपने शांति बना रखा है? हां शुक्र है। इसको हम चुनाव को कवर करते करते एक हमको एक शख्स ऐसे मित्र ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि बारिश में उनका मकान गिर गया और कोई उनकी सब पूछने वाला नहीं था कि आपका मकान कैसे गिरा, उनको कोई हाल खबर लेने वाला नहीं था। तो उनसे उन्होंने बताया अपनी समस्या, तो हम लोग उनके गांव में आए हैं। गांव कुल्ला मऊ जो कि मंडली विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहां पे काफ़ी ग्रामीणों की समस्या बहुत ज़्यादा है। आपको कैमरा में से दिखाना चाहेंगे, सब ग्रामीण हमको देखने के बाद यहां पे आ गए हैं, अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है और शाम होने वाली है, तो कुछ गरीब लोगों की बात करेंगे। बाकी लोगों की समस्याएँ हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द दूर हो जाए और सरकार इनकी बातों को सुने। अभी पहले बात करते हैं जिनका मकान इस बारिश में गिर गया है। क्या नाम है दादी? मारा नाम निर्मला। अच्छा, आपके बच्चे ने इन्होंने हमसे मिले बताया कि आपका मकान गिर गया है। कब मकान गिरा आपका? आज हम 6-7 दिन। 6-7 दिन आपको दिखाना चाहेंगे। ये खपड़ैला का मकान था ये, जो कि इसी बारिश में कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी उसमें बीच में से देखेंगे आप गिर चुका है और पानी अंदर जा रहा है। इसी तरह ये लोग बरसाती इसको है ब्लैक कलर की आप देखेंगे उससे पड़ी हुई है, उसे काम चला रहे हैं। छोटे से मकान में किसी तरह लोग रह रहे थे लेकिन भगवान ने उसमें भी बारिश में अपने चपेट में ले लिया। और ये बताइए जब मकान गिरा प्रधान उधर किसी पास गए कि हमारा मकान गिर गया है, कुछ करिए? हाँ करे, कहाँ का करे, सरकार का मिलेगा मकान। क्या नाम है प्रधान का? मित्तल। आप बताओ क्या नाम है प्रधान का? सुधारी नाम है। इसी साल जीते किसके पहले ही थे? इसके पहले जो प्रधान थे क्या क्या काम किए थे? कुछ कौन काम ना कहे साहब, गरीब आदमी अपने मन के कौन सुनाइए। अच्छा, रास्ता कोई काम मतलब विनय सिंह ने अपने कार्यकाल में नहीं किया गरीबों के लिए? न कहीं रास्ता, न नाले, न घर, न बाथरूम, कुछ भी ना है बाबू। मैंने सड़कों की स्थिति देखी, काफी दयनीय थी सड़क की स्थिति। हम लोग ने आए बाइक काफी दूर खड़ा कर दिया तब यहाँ पे आए। गिर के भैया इतना परेशान है, हमारा नाम अमोला है समझे, परेशान है इतना। हम 3 दिन ऑनलाइन कराए, कोई सुनाई ना, कोई देखभाल, कोई मतलब ना, रास्ता नहीं है। यहाँ पे गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैसे अपनी समस्याओं को लोग लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक दादाजी से बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी? बोला ये बताओ, मैं मोदी जी कुछ पेंशन वेंशन 7 साल के बाद जो ना पहुँचते सही बताओ, अगर ये चलत रही तो यार बाईस में के आई के लगे थे के जीती के आई सर के के वोट देंगे 2022 में तब क्योंकि उठवा देंगे हैं के देंगे मन नहीं थे सब बनाने सर के पहले के दिए भैया का दे जाओ तो पहले तो धनंजय के दिए भैया का हमने धनंजय दे रहे थे के पहले धनंजय का आप लोग बताओ वोट दे रहे हैं बहुत दिन और लोगों से हम बातचीत करेंगे। और आप बता रहे हैं बाकी लोग कि उनका भी किसी लोग का मकान गिर गया, किसी लोग की दीवार फट गई है, आपका क्या मामला था? हमारा मामला ये रहा, मकान हमारा गिर गया, हमारा मकान आपका दिखा दे। चलिए हम आपको मकान दिखा देते हैं, पहले इनका हम दिखाना चाहते हैं अंदर से लेकर थोड़ी स्थिति दिखाना चाहेंगे। घर गिर गया, एक पहला गिर गया था इसी बारिश में, थोड़ा टार्च और सीधी बात लेके आई चलाइए, आराम से आराम, थोड़ा बहुत लाइट जो दिखाइए। हाँ देखिए यहाँ पे माता जी खाना बना रही हैं, इसी में डर के साए में तो रहती हैं। देखिए आप
यहाँ पे क्या सामान रखते है पूरा दिख रहा अच्छा पूरा दिख रहा था। देखिए यहाँ क्या रहने होने का भी व्यवस्था नहीं रहता बेटा डेर के मारा तो कहाँ रह रहे हैं आप लोग आजकल बेटा आप लोग देख सकते हैं देखिए आराम से देखिए गिरे में आप लोग देख सकते हैं किसी तरह इसके लोग टिकाए हुए हैं देख रहे हैं किस तरह से ये लोग डर के साए में रह रहे हैं देखा एक दिन बच्चे बच गए दबाई देखिए ये देखिए दादी कह रही है ये कड़ी लकड़ी की कड़ी होती है जिसमें सपोर्ट के लिए लगाया जाता है बच्ची छोटी बच्ची देख रहे हैं आपको दिखाना चाहेंगे बेटा इधर आ जाओ इधर आ जाओ बच्ची दबने से बच गई आप देख सकते हैं करी रात को गिर गई थी आइए ले चलेंगे आपको बाहर क्योंकि यहाँ पे अंधेरे वजह कुछ दिख नहीं रहा छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसमें रहते हैं घर में चार बच्चे हैं आप देखिए आइए आइए बाहर आइए 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 देखिए माता जी किसी तरह खाना पका रही है बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख लीजिए आप खाना पका रही इसी मरहे में अगर खुदा ना खास्ता ये भी दीवार घिसक गई तो खुदा ना खास्ता कोई घटना हो सकती है छोटे छोटे बच्चे हैं बाकी लोग का भी हम आपको दिखाएंगे मकान आप देख सकते हैं बाकी सब लोग यहाँ पे अपनी समस्या करने के लिए हमसे आगे आए हुए हैं क्या दादी जी क्या नाम है इसे बात करते हैं दादी क्या नाम है ये बताओ प्रधान जी जो बहन आपकी हैं आपके लिए कुछ काम करें कि नहीं साहब आज दो चार जने के आज आवाज कहा झूठ बोल रहा है झूठ जी ने बोला बजबा अपने से देखा दो चार जने में आवाज आए है भैया आदमी अब की नहीं मिला अच्छा ही बताओ ये बताओ तीन हमारे थे नजदीक को अब देखा वोट मांगा तो सब आई हैं विनय सिंह ने इरादा किसके बने 4-5 रुपया लगता कोई बताओ ना भाजपा ये बताओ या कोई और पार्टी जेके बताओ आज जब वो लोग हमने कहा कि आपको वोट आपका अधिकार हो हम लोग दे ही वोट दे जिससे कर ये विकास करें आओ बेटा इधर आ जाओ आ जाओ क्या नाम सब वोट दे रहे हैं नाम है हमारा विशाल विशाल नाम है इधर आ जाइए थोड़ा कैमरे में आप भी आए दिखे चेहरा आपका चमकता हुआ चेहरा दिखे जैसा दिखे क्या करते हैं आप सर भी तो काम धंधा करते हैं पढ़े लिखे तो है नहीं पढ़े लिखे नहीं पढ़ते नहीं कबार उबार खरीदे थे ना काम उसका भविष्य खराब हो गया आपका भविष्य खराब हो गया है तो प्राइमरी स्कूल तो आपके यहाँ होगा ना वहाँ पे क्या था क्या मतलब है कि था तो आप पढ़ने वहाँ क्यों नहीं जाते वहाँ पे बहुत ज्यादा फीस नहीं रहती है बहुत ज्यादा फीस नहीं रहती लेकिन हम लोग घर पे नहीं थे गरीब आदमी है जानते हो सर मांगने का मजदूर आदमी है मांगने खाते में सर एयर वर हो जाता है चलो हमारा सर घर देख लो एकदम बढ़िया से भुट्टा खाते हैं आप सर सुपारी खाते हैं दिन भर में कितनी सुपारी खा जाते होंगे दिन भर में कितनी सुपारी खा जाते होंगे आप दिन भर में छोटे लड़का खाते हैं भैया कितनी सुपारी आप खा जाते होंगे सर लास्ट वाली कितने रुपए का खा जाते होंगे आप कितने पैसे तो नहीं सर लेकिन हर भर भाई मिल जाते हैं खा लेते हैं अच्छे जितने आप सुपारी मांगने में मेहनत करते हैं क्या आपको लगता है अगर आप किसी दो तीन लोग से ऐसे प्रधान से अपने पढ़ने के लिए पैसा मांगे होते या कुछ के लिए तो आपको नहीं मिलता सर कोई हमारा सुनवाई नहीं करता है कभी आप गए प्रधान के पास अपने गांव प्रधान या कोई ऐसा व्यक्ति आपके गांव में होगा तो हर तरफ संपन्न व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकते उसके पास गए कभी सर गरीब आदमी के यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती आप गए कभी मैं ये पूछना सर गए किसके पास गए थे विनय सिंह ठाकुर अच्छा चुनके हम लोग गए भाई है ये भाई गए ये भाई गए जिन्हें गए हम लोग कहे साहब हमारे लोग को सुनाई कहे हम लोग गरीब आदमी है को सुनाई कर दी ना सर कह रहे हैं साले लोग जैसे खसे के टांगते हैं घोड़े के नाथ उसे तुम्हारे लोग काट के हम साले को तुम बुझा देगा अच्छा बता रहे हैं भट्टे के मालिक हैं दिनेश सिंह जी उनका कहना है क्या कह रहे थे आप बताइए फिर से थोड़ा जो उनका डायलॉग था रिपीट करिए क्या कह रहे थे हम यहाँ ही कहा था दिनेश सिंह क्या कह रहे थे कि क्या घोड़े का बकरे का क्या बता रहे थे आप हम लोग गए यहाँ तक हम लोग अपने सामने सुना वो गए हम लोग गए हम लोग भाई गए हम लोग चार जने गए उनके भाई हमारे लोग बात बटे हमारे घर द्वारे गिर के बटे हमारे लड़के बच्चे मर गए कहा जैसे तुमसे यहाँ खड़ा रही पहले ही हम साले ने ज्यादा बोला है दिनेश सिंह विनय सिंह की बात कर रहे हैं विनय सिंह जो पूर्व प्रधान थे पहले पूर्व प्रधान थे जब उनके दो साल से
सुविधा मीडिया को देखते ही सभी आप देख सकते हैं कि सारी जो जनता थी यहाँ के लोग हमारा समस्याओं को लेकर यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। सब अपनी समस्या बता रहे हैं। लोग इतने ज्यादा हैं कि किसकी किसी समस्या सुने। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने लोग की हो सके समस्या दूर हो और जितने लोग की हो सके आवाज़ आप तक हम पहुंचाएं। और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे हमारे और ले चलेंगे, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे गांव में। चलिए बताइए कौन बता रहा था उनका भी घर टूट गया है अगल बगल। ये देखा, ये रहा है, देखो 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 आप देख सकते हैं यहाँ पे हम चल रहे हैं। देखिए किसी तरह इसी पढ़ाई में किसी तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए आप, ये सोए हुए हैं। बारिश होती होगी तो इसी भी डर के साए में बच्चे भी रहते होंगे। बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। कैसे बच्चा मर गया आपका? घर गिर गया, गिर गया दीवार। हम लोग रात में जम के भी गए, सुन के भी अचंभा लगा। हम लोग डाले प्रेशर, कहे फोटो दिया, फार्म दिया, मैं उनके कह रहे हैं चल ठीक है तुमके हम देगा रू। अब तक नहीं पाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मिला। एक बाप का बेटा, ये एक हमारे दबकर मर जाए, एक हमारा लड़किया मर गया। हमारा जेठ लड़किया रहा इतना पढ़ा के खत्म हो गई। घर कहाँ पे था जो गिर गया? अच्छा यहाँ पे पहले बता रहे घर पे था, वहाँ पे उनका छोटा सा बच्चा था, गिर के दब के मर गया। काफी दुख की बात है कि सुनाई नहीं किया बाब साहब। ताइए बाब साहब लगे गए, बाब साहब लगे कहा सुनिए अब तुमके लोग मारेगा, तुम जाइए भागिए, नहीं तो मैं तुमको लोग छोड़ेगा नहीं। चलिए ठीक है, उसके भाई बोले, प्रधान का भाई बोले। चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे दृश्य, देख लीजिए कैसी स्थिति है, कैसे लोग यहाँ पे अपना गुजारा बसर करते हैं। खाने सर पहला देख सकते हैं यहाँ पे क्या लाइट वाइट का कनेक्शन आया कि नहीं? लाइट वाइट का लाइट आया हुआ है। पानी उनी का पानी की व्यवस्था नहीं है साहब, एक नल है वही पूरे गांव पीते हैं। मतलब एक नल से पूरा गांव पानी पीता है? गाँव में झगड़ा मार होता है। जय रुगई, एक नल से पूरा गांव पानी पी रहा है, किस तरह से आप समझ सकते हैं गुजारा बसर कर रहे हैं। हम 21वीं सदी में पहुँच गए हैं और लेकिन यहाँ पे आज भी एक नल से लोग पानी पी रहे हैं। चलिए हम और तस्वीरें कुछ आपको दिखा देंगे फिर चलेंगे, चलने का समय भी हो रहा है क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। अरे रिकॉर्डिंग आ गया वहाँ पे लोग, दादाजी का परिवार उनका भी घर गिर गया था इसी बारिश में। अरे ले चलिए आपको दिखाना चाहेंगे पहले मकान में कैसे लोग यहाँ पे गुजारा बसर करते हैं। देखिए दादी क्या कह रही हैं। अनुवादी मत करो, कितना लगेंगे दादी? खड़ी रहो, ये किसका घर? कोई रहता है इसमें? इंसान साथ में रहते हैं, ये पूरा है इंसान आवता ना। रहने का कुछ दिख नहीं रहा, रहने लायक ये कैसे रह रहा है? कुल हटा के मन देते हैं साहब। ये देखिए और क्या दादी क्या कर रही थी आप बतावे? वो घर में पानी देखा, कुल गिरे तो कुल गिरे तो भर रहा है, डाले हैं ऊपर क्यों रहा थे मन? हां हां मरा हां ना, एक बार बात है देखो इसमें रह रहे हैं। हां आपको दिखाना चाहेंगे, एक खपड़ैले की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है इसमें रहने लायक नहीं है, तो लोग यहाँ पे बगल मढ़े डाल के रह रहे हैं। आपको दिखा देंगे, मढ़े भी दिखाना चाहेंगे, आइए। ताऊ क्या करते तू भाई, क्या करते थे तू? काफी मेहनत करते यार, क्या नाम हो? शिवा। शिवा शिवा बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे। पढ़ा थोड़ा था कहाँ के में? कितने में पढ़ रहे? कितने पढ़ते हैं? चल अच्छी बात हो। अब देखिए कहा आप देखें घिरे बाद मकान की तरह लोग रह रहे हैं, आप देख लीजिए स्थिति इतनी दयनीय है। यहाँ पे भारत सब कहते हैं 21वीं सदी में हम आ गए हैं लेकिन स्थिति अगर ऐसी रहे तो हमारा देश, यहाँ पे लोग मंगल पे जाने की बात करते हैं लेकिन हमारा देश अगर साथ ले के नहीं चलेंगे तो जाके वहाँ पे क्या करेंगे? बाकी लोगों की स्थितियाँ आपको दिखाएंगे, देख लीजिए माता जी किसी तरह यहाँ पर खाना पका रही हैं। आप देखिए एक छोटे से झोपड़ी में कई लोग इसमें रहते भी हैं जबकि बच्चे खाना खा रहे हैं और हर तरफ खतरा बना रहता है सांपों का, हर चीज़ का, कोई भी जीव जंतु आके काट ले, लेकिन इसी में रहने के लिए मजबूर हैं। आइए मैं चलते हैं आपको और भी लोगों को दिखाते हैं। कहाँ गई दादी? एक बता रही थी दादाजी कहाँ रहते हैं अकेले? आइए आइए
इन्हीं का खबर करते हैं, चलते हैं। दादाजी मिले हैं, लोग के काफी बता रहे थे क्योंकि इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं, छोटे से मकान किसी पन्नी डाल के रह रहे हैं। पहले बात करेंगे दादाजी, क्या नाम है आपका? आपके और परिवार में अकेले रहते हैं? अकेले आपको दिखा देंगे रास्ते की स्थिति ये है किस तरह से। इसमें देखिए चाचा जी आ रहे थे अपनी लूना बाइक जो बिक्की काफी प्रसिद्ध पहले हुआ करती थी, लेके बस जा रहे हैं। रास्ते की काफी समस्या है दादाजी, इस पर हम फिर आएंगे और बातचीत करेंगे। ये बताइए खाना ना कौन बनाता है दादाजी? बच्चे बनाते हैं खाना, आप इसी में रहते हैं? बारिश वरिश होती है तो बहुत डर लगता होगा। घर देखा पानी, ये देखिए हर तरफ कपड़ेले के मकान है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि प्रधान जी बस वोट मांगने के लिए आए, फिर कभी नजर नहीं आए। नहीं, आप कभी प्रधान जी मिले? जो हीरा लाल क्या नाम इसमें है प्रधान? हाँ उनका तो अब तो सिधारी है। सिधारी है? हाँ, सिधारी। वो कभी आए पूछने के लिए आवाज आवाज दबाओ फिर कुछ? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ का लोग का स्थिति काफी दयनीय है। आपको दिखाना चाहेंगे किसी तरह दादाजी किसी खाट पे बैठ के रहते हैं रात को। हाँ, बिल्कुल डर के साए में रहते हैं कि कुछ काट न ले, जीव जंतु हमेशा डर बना रहता है। चलिए दोस्तों अब शाम का समय हो चुका है, अब हम भी निकलेंगे और भी गाँव को ऐसी खबरें आपको दिखाते रहेंगे कि भारत कितना विकास किया हुआ है। गाँव के लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान है, घर मकान पानी के लिए लेकर परेशान है। तुम्हारा भारत कहाँ विकास किया हुआ है? मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ बड़ी बातें करने से नहीं होता है। जमीनी स्तर पे देखिए क्या है आपके भारत की स्थिति। ऐसी खबर को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द एटीएन। मैं था वीर सिंह, आप देख रहे थे द एटीएन। धन्यवाद। खबर के माध्यम से अनुभव के कैमरे ने और वीर की बातों ने इस गाँव के पूरे विवरण को आपको समझाया, इस गांव का दर्द भी दिखाया। इसके साथ साथ हमारे वहां पत्रकारों ने कुछ और भी तस्वीरें इस खबर के साथ खींची हुई थी, जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और समझाने का एक प्रयत्न करते हैं कि कितने दर्द में है ये गांव। केहर से बहुत ज्यादा एकदम मड़हा गिर गया रह जाने लड़के बच्चे का भाई जी बाप रे बाप जाने भैया बहुत परेशान है जान तो हमारे सास ने ससुर के एक सहारा ना ये खड़ा है रहे एक मिनट चलिए मैं ले लेते ही ओके बाप के ना समस्या बताओ यही बड़े देखा था खाना दाना बना था ये बताओ मैं कई साल जो प्रधान जी रहे कुछ करें ना का घर और बनाओ बिन प्रधान जी जो रहे घर और नाधियन का ना सा प्रधानमंत्री मोदी जी पैखाना तक ना है मेरे बाबू पैखाना तक हमारे घर में ना है। अच्छे बताओ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी सबके आवास देवे को कहते हैं आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं नया आवास भी दें घरे भी दें कुछ ना जाए ना पढ़े लिखे आए ना जाए प्रधान ना पूछें घरे भी दें हाथ गोड़ जोड़े मिले 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 आज तक मिला। अच्छा ये समझो प्रधान है वो हाल खबर कब ले आए मकान को बनवा भी नहीं दे क्यों ना आए आज तक दुआरे ना आए। अच्छा ये स्थिति बा तो 2022 में के वोट देंगे आप लोग विधानसभा चुनाव में? अब साहब आप लोग जैसे कहा जहाँ कहा नहीं हमने ना कब और तो आपका अधिकार हो ना हमने कहा आपसे आई कहे बताओ और दिविदन ठीक हो साहब के दे रहे हैं पहले वोट के दिए रहे 2022 में पहले वोट तो भाई नहीं 2022 पहले जो भय रहा है पहले चुनाव भय रहा है विधानसभा का है जमन लक्की यादव धनंजय सिंह जिनसे भी लड़े रहे भाजपा लड़ी रहे मनोज सिंह मलनी हो नहीं हो उन्होंने वोट के दिए रहे आप कितने चाचा धनंजय सिंह के आप वोट दिए रहे चलें ठीक है आपकी समस्या हमने दिखावा थी कोशिश रही आप लोग समस्या दूर हुई है
लायक भी जगह ना बहुत बुरी तरीके से देखा भाई साफ आवत ना कोई फायदा ना चल हम से आ जावे परसों आ जा आवत रह चुनाव चले तो जब तक कब ने आवत रह आवा 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 शक्कर 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 बयान ली है अच्छा तभी तक रखा ना देख ला भैया इनका हाथ जरी के बाटे से परेशान भी ना पैसा ना बाटे ए यार कैसे जरा जरी गिरे तेरी कार्ड वाले कपड़ा ताप रहे आइन गिरी चला दिखाओ थी तो प्रधान जी देखी क्या कर दें पता करावती समझे आपने इस पूरी खबर को देखा शायद आपको ये महसूस हो ही गया होगा कि इस गांव में आखिर कितना दर्द है बच्चे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं बड़े बुजुर्ग दवाओं के अभाव में अपने जान को दे दे रहे हैं बरसात होने पर कच्चे मकानों की दीवार गिरने से पता नहीं कितने माँ बाप अपने औलादों को खो दे रहे हैं चुनाव इनको खूब याद है नेताओं का आना जैसे इनके लिए बस एकमात्र चुनावी माहौल में थोड़े बहुत रंग बिखरने जैसे हैं इस गांव की परेशानी सिर्फ नेता ही नहीं हम भी दूर कर सकते हैं हम सब भी अगर इन गांवों को प्राथमिकता दें इनके तकलीफों पर अपनी आवाज़ उठाकर सरकार तक इनके हक के लिए आवाज़ बुलंद करें तो शायद इन गांवों में कभी इस प्रकार की गरीबी ना रह जाए इस पूरी खबर को बनाने में कैमरा सहयोग दे रहे अनुभव मिश्रा पूरी खबर को ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट कर रहे पत्रकार वीर बहादुर सिंह और इस खबर पर जो आपने आवाज़ सुनी यानी कि मेरी मैं था राणा सिंह फिर मिलेंगे जौनपुर ही नहीं यूपी के किसी भी ऐसे गांव की खबरों को आपके समक्ष रखते हुए जहां 21वीं सदी के बाद भी आज अभाव बखूबी देखने को मिलता है इस खबर को शेयर करिएगा और एक कोशिश करिएगा इन लोगों को मदद पहुंचाने में धन्यवाद